नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, मैं आपके साथ कृतिका सिंह। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है। ये भ्रम किसने फैलाया और क्यों फैलाया, ये अलग सवाल है। लेकिन जी हिंदुस्तान आज वैक्सीन से जुड़े हर एक कंफ्यूजन को तोड़ेगा। हम आपको बताएंगे इस संकट काल में संजीवनी बूटी बनी कोरोना वैक्सीन की देश में उपलब्धता कितनी है और कौन सी वैक्सीन बढ़िया है, किसमें कितना है दम, क्या भारत को विदेशी वैक्सीन का भी मिलेगा सहारा और वैक्सीन की डोज में गैप बढ़ाने का फंडा क्या है। हम इन तमाम सवालों का जवाब इस बुलेटिन में आपको देंगे। इस साल के अंत तक सबको वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन पर भ्रम किया दूर। दिसंबर 2021 तक आपके पास होगा वैक्सीन कवच। भारत में मिलेगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज। भारत को मिलेगी 8 कंपनियों की वैक्सीन। अगले हफ्ते से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगनी शुरू। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से। कोविशील्ड के दो डोज, 12 से 16 हफ्ते का गैप। संक्रमण से ठीक होने पर 6 माह बाद लगेगी वैक्सीन। जी हिंदुस्तान बताएगा वैक्सीन का पूरा फंडा। सबसे पहले आप जानिए कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर आखिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, वैक्सीन की कमी दूर करने का प्रयास कहां तक पहुंचा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगले 6 महीने में पूरा देश वैक्सीन कवच से सुरक्षित हो जाएगा। वैक्सीन पर भ्रम या वैक्सीन है कम, कौन वैक्सीन बढ़िया, किसमें है दम। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कोहराम मचाए हुए है। तेजी से फैल रहा इसका संक्रमण रोज हजारों की जान ले रहा है। अस्पताल, दवा, ऑक्सीजन की कमी के बीच लगातार बढ़ते संक्रमित मरीज और इससे हो रही मौतों का आंकड़ा लोगों को लगातार डरा रहा है। लोग मौत को करीब से महसूस कर खौफ से भरे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे आपातकाल में लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद बनी है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन बनी संजीवनी बूटी। आज के संकट काल में कोरोना वैक्सीन को संजीवनी बूटी के तौर पर देखा जा रहा है। पहले कोरोना वॉरियर्स, बुजुर्ग, फिर 45 साल से ऊपर के लोग और अब 18 साल से ज्यादा के युवाओं को भी इसी वैक्सीन से आगे जीवन की आस है। कोरोना के खौफ के इस आलम में वैक्सीन की डिमांड इतनी तेज है कि इसकी सप्लाई पूरी नहीं पड़ रही। कई राज्यों में वैक्सीन के लिए लंबी कतारें देखी गई तो कुछ सेंटर से लोगों को निराश वापस भी लौटना पड़ा। वैक्सीन की उपलब्धता और कमी को लेकर पक्ष विपक्ष में छिड़े घमासान के बीच उम्मीद की एक नई किरण दिखी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने देश में कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर बड़ी उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ डोज भारतीयों के लिए उपलब्ध होगी।
दरअसल अगले 6 महीने के अंदर भारत को कोविशील्ड की 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायो ई की 30 करोड़, जाइडस कैडिला की 5 करोड़, नोवावैक्स की 20 करोड़, बीबी नेजल वैक्सीन की 10 करोड़, जेनेवा एमआरएनए की 6 करोड़, स्पुतनिक वैक्सीन की 15 करोड़ 7 लाख और इस तरह कुल 216 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगी। यानी दिसंबर तक भारत में इतनी वैक्सीन होगी कि हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के सुरक्षा कवच में सुरक्षित हो सके। जबकि ये वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, जो सफल रहा तो 4 से 6 महीने में बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। कोरोना के कोहराम के बीच अच्छी खबर ये है कि देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 20 राज्यों सहित 187 जिलों में पिछले 2 सप्ताह से मामलों में कमी देखी जा रही है। 3 मई से देखें तो 3 मई पर देश में 17.13% एक्टिव केसेस थे, जो कि अब घटते घटते 15.65% हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि वैक्सीन कंपनियों पर दबाव न बनाएं, इससे कंपनियों के मनोबल पर असर पड़ता है। वैज्ञानिकों की वजह से ही भारत को वैक्सीन मिली है, जिससे कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग में भारत डटकर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो अब वो दिन दूर नहीं जब भारत के पास भी वैक्सीन का सरप्लस स्टॉक होगा, और ना सिर्फ स्टॉक होगा बल्कि लोगों के पास अपनी पसंद की वैक्सीन चुनने का विकल्प भी होगा। सितंबर से दिसंबर के बीच भारत के पास 2 देसी वैक्सीन इस वक्त है, लेकिन देसी वैक्सीन के साथ साथ विदेशी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। उनमें फाइजर और जॉनसन के अलावा स्पुतनिक सरी के ब्रांड्स भी शामिल होंगे। स्पुतनिक करेगी कोरोना पर आघात। फाइजर करेगी कोरोना का काम तमाम। मॉडर्ना बनेगी कोरोना का काल। जॉनसन वैक्सीन रखेगी सेहत का ख्याल। वो दिन दूर नहीं जब भारत में कोरोना वैक्सीन का बड़ा स्टॉक होगा। जल्द ही भारतीयों को देसी कोविशील्ड और कोवैक्सीन का विकल्प मिलेगा। अब देसी वैक्सीन के साथ ही विदेशी वैक्सीन भी कोरोना पर करारा प्रहार करने के लिए तैयार है, और भारत की 130 करोड़ आबादी को जल्द ही वैक्सीन लगाई जाएगी। विदेशी वैक्सीन में सबसे पहले भारत पहुंची है रूस में बनी स्पुतनिक वी। इतना ही नहीं, जुलाई से स्पुतनिक वैक्सीन भारत में बनने भी लगेगी, और तब कहीं ज्यादा तेजी से ये वैक्सीन आम लोगों की पहुंच में होगी। और वो दिन दूर नहीं जब रूसी वैक्सीन इंडियंस को कोरोना से बचाएगी, इंडियंस के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए शील्ड बनाएगी। स्पुतनिक वैक्सीन अगले हफ्ते से देश के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। वैक्सीन की डोज इंडिया पहुंच चुकी है, और जल्द ही ये वैक्सीन आपके पड़ोस की दवा की दुकानों पर बिकने लगेगी। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है, ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अभी उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाया। तो 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है। यही साइंस में आया है, लिटरेचर में और रिसर्च में आया है कि ये एंटीबॉडीज उतनी प्रोटेक्ट कर लेती हैं। सिर्फ स्पुतनिक ही नहीं बल्कि अमेरिका की फाइजर वैक्सीन भी जल्द ही भारत में दस्तक दे सकती है। कंपनी ने बहुत पहले ही वैक्सीन की बिक्री के लिए आवेदन किया था, और अब कंपनी को भी भारत में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने कोरोना से जूझ रहे भारत को 7 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर की दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें भी भेजी हैं। फाइजर के अलावा मॉडर्ना वैक्सीन को भी जल्द ही भारत में मंजूरी मिल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मॉडर्ना ने यूएन के कार्यक्रमों के लिए 50 करोड़ डोज उपलब्ध कराने के लिए हामी भर दी है।
एक और अमेरिकी वैक्सीन है जिसे जल्द ही भारत में मंजूरी मिल सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का जल्द ही भारत में निर्माण शुरू हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत में जल्द ही बननी शुरू होगी। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भारत में बनाने के लिए आर्थिक मदद देने की पेशकश भी की थी। अभी भले ही भारत में कोरोना से हालात खराब हों, लेकिन सितंबर आते आते भारत में वैक्सीन का अंबार लगने जा रहा है और दिसंबर तक तो भारत में वैक्सीन की सरप्लस सप्लाई होगी। दिसंबर तक भारत में कोरोना वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। वैक्सीन की 55 करोड़ डोज होगी, जबकि कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज भारत में होगी। बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की 30 करोड़, जबकि जायडस कैडिला डीएनए की 5 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। 20 करोड़ नोवा वैक्सीन भारत के पास होगी और भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ डोज भारत में उपलब्ध होगी। इसके अलावा 15 करोड़ डोज स्पुतनिक और 6 करोड़ डोज जिनोवा वैक्सीन की भी उपलब्ध होगी। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और तीन और कंपनीज पीएसयू के साथ काम करके बनाएंगे दोनों। वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी 55 करोड़ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 55 करोड़ लोग हैं, ऐसे में 2 अरब डोज की भारत को जरूरत होगी। इसके अलावा जिस भी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन मंजूरी देगा वो वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध कराई जाएगी। इधर कोवैक्सीन के बच्चों पर शुरू हुए टेस्ट ने भी उम्मीद जताई है। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी, यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत की जनता के पास न सिर्फ वैक्सीन होगी बल्कि अपनी पसंद की वैक्सीन चुनने का विकल्प भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वैक्सीनेशन पर सरकार की नई गाइडलाइंस ने कोविशील्ड के पहले डोज लेने वालों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरे गैप के बीच के अंतर को 6 महीने किए जाने के बाद लोग कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन इसलिए कि नहीं लंबे वक्त अंतराल वाला फॉर्मूला वैक्सीन की प्रभावी क्षमता को कम ना करते। वैक्सीनेशन पर कितना कंफ्यूजन, कोविशील्ड ने बढ़ा दिया टेंशन। कोविशील्ड वैक्सीन के पहले डोज से दूसरे डोज का फासला अब तक 3 बार बढ़ चुका है, यानी पहला डोज लेने के बाद दूसरे डोज के बीच का अंतर कितना होना चाहिए अब तक 3 बार तय हो चुका है। सबसे पहले दोनों डोज के बीच के अंतर को 4 हफ्ते रखा गया, इसके बाद सरकार की तरफ से इस अंतर को बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते तक कर दिया गया। अब NTAGI ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूर भी कर लिया। इसी तरह कोरोना पॉजिटिव से रिकवर हुए लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की मियाद तय कर दी गई। जो लोग कोरोना से रिकवर हुए उन्हें 6 महीने बाद ही वैक्सीन लगवाने की जरूरत होगी। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है, ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अभी उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाया। तो 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है, यही साइंस में आया है, लिटरेचर में और रिसर्च में आया है कि ये एंटीबॉडीज उतनी प्रोटेक्ट कर लेती हैं। NTAGI के सुझावों में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर भी जोर दिया गया। मसलन गर्भवती महिलाओं को कोई भी वैक्सीन लेने का विकल्प मिल सकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रसव के बाद ही टीका लगेगा। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है, आखिर कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज के बीच के अंतर में 3 बार क्यों बदलाव किया गया? इसके लिए एक रिसर्च पर नजर डालते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच के अंतर को 12 हफ्ते तक कर दिया। इसी तरह जर्मनी ने भी यही फॉर्मूला अपनाया।
इसके पीछे दलील ये दी गई कि इससे जल्द से जल्द काफी लोगों को टीका लगाने में आसानी होगी, लेकिन 12 हफ्ते वाले फॉर्मूले से क्या वैक्सीन की क्षमता घट जाएगी, इस पर कोई पुख्ता रिसर्च सामने नहीं आया है, लिहाजा इसे लेकर अभी तक विवाद है। रिपोर्ट जी मीडिया।